दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराएं, साथ ही प्रदेश में राजमार्ग क्षमता का विस्तार करते हुए 4 लेन को 6 लेन में विस्तारित करें, सुरक्षा और जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजमार्ग पर हर किलोमीटर के अंतराल पर CC कैमरे लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले मेला को देखते हुए प्रयागराज से जुड़ी NHAI की परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए सभी कार्य नवंबर 2024 तक हर हाल में पूरा कर लेने के साथ ही अयोध्या क्षेत्र के कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश रविवार शाम गोरखपुर के NXC भवन के सभागार में NHAI की UP में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी NHAI की परियोजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी विश्व स्तरीय हुई है, इसे निरंतर गति देते हुए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होना है। लाखों की संख्या में यहां लोग पहुंचेंगे। सुलभ और सहज आवागमन के लिए रोड कनेक्टिविटी को और शानदार करना है। इसके लिए NHAI प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए समय सीमा के भीतर पूर्ण करा लें। सभी कार्य किसी भी दशा में नवंबर 2024 तक पूरे हो जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में शंकर मंडपम मंदिर से त्रिवेणी तक रोपवे बनाने के लिए कार्ययोजना तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में NHAI की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जनवरी 2024 में श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए अयोध्या की परियोजनाओं को और तीव्र करने की ज़रूरत है। गोरखपुर वाराणसी सोनौली गोरखपुर और गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट बाईपास की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने NHAI के अफसरों से मार्च 2024 तक गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग का कार्य पूर्ण करने के साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया। कहा कि यदि गुणवत्ता में कोई खामी मिले तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। सोनौली गोरखपुर राजमार्ग के कार्य में और तेजी लाई जाए। CM योगी ने लखनऊ कानपुर वाराणसी मथुरा आगरा बरेली मेरठ में चल रही NHAI की परियोजनाओं की भी गहन समीक्षा कर तेजी से काम करने की हिदायत दी है। बैठक में NHAI की तरफ से बताई गई कुछ परेशानियों को मुख्यमंत्री ने तत्परता से दूर करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर में NHAI के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा में फ्लाईओवर बनाने का निर्देश दिया है। इससे सहजनवा कस्बे में होने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी सहयोग करेंगे। बैठक में NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कई विधायकगण, प्रमुख सचिव PWD अजय चौहान समेत कई अधिकारी व्यक्ति मौजूद रहे, जबकि कई जिलों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश मैं देश से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका एक बहुत अच्छा संजाल है। 1,92,000 यानी 1,12,000 का वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और जो कार्य चल रहे हैं और प्रस्तावित हैं इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 2,00,000 किलोमीटर से अधिक एक नया नेटवर्क नेशनल हाईवे का उत्तर प्रदेश के अंदर हमें आगामी कुछ वर्षों के अंदर देखने को मिलेगा। इस अवसर पर आज इन सभी कार्यों की समीक्षा हुई। कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, कार्य की क्वालिटी को लेकर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और स्टेट से संबंधित जो भी इश्यू हैं सभी जिलाधिकारियों से भी ये कहा गया कि वे समयबद्ध तरीके से उनका समाधान निकालें, जिससे डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी इशू पर कहीं भी कोई बाधा ना आने पाए। और बड़ी सार्थक बैठक थी।
इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। ये सभी कार्यक्रम, ये बैठक आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है। गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है। और दो अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं गोरखपुर से जुड़े हुए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और देश की जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में सफल होंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का विजन है इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर और भी प्रभावी ढंग से उतारने में मदद को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो उन्होंने सफलता दिखाई है उसके अंदर सबका योगदान बहुत बढ़िया रहा है, हमारे नेतृत्व का योगदान उसमें बहुत बढ़िया रहा है। और ये जीत तभी संभव हुई है जब इन सबका मिलन इकट्ठा हुआ है। तो उन सबको बधाई, आप लोगों को बधाई कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छे तरीके से जीत कर आई।